अगर आप भी रॉकी टीवी के डीलरशिप लेना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9878740455। India and I am from VM Shri Government Senior Secondary School Lamlu. Here we are represent the model of earthquake safety building. यहाँ हमने इस मॉडल में तीन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, स्प्रिंग टेक्नोलॉजी, मार्वर टेक्नोलॉजी एंड ड्यून मास डैम्पिंग टेक्नोलॉजी। जो स्प्रिंग जो है जो हमारे भूकंप की हलचल को एब्जॉर्व कर रहे हैं, जिससे जो इमारत पर दबाव पड़ रहा है वो उसको कम कर रहे हैं। जो मार्बल है, जो मार्बल हमने 5 लगाए हुए हैं, वो मार्बल को इमारत जी है वो जो है उसको आसानी से स्लाइड कर दे रहे हैं, जिससे दबाव जो है कम पड़ रहा है। और ट्यून मास डैम्पिंग टेक्नोलॉजी जो है, यहाँ पर ट्यून मास जो है जो भूकंप आ रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिससे जो वाइब्रेशन हो रही है भूकंप की वो कम पहुँच रही है इमारतों तक। मॉडल कॉम्पिटिशन जो है वो डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री के ऑफिस के इस हॉल में चल रहा है। इस एग्जीबिशन में जो बच्चे हैं इन्होंने अपने अपने मॉडल यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं, और टोटल जो है वो 13 मॉडल हमारे पास कैटेगरी वाइज इस हॉल में यहाँ पे लगे हैं। ये एग्जीबिशन के साथ साथ यहाँ पे इवैल्यूएशन का प्रोसेस भी स्टार्ट है, और इस इवैल्यूएशन में हम कैटेगरी वाइज फर्स्ट सेकेंड थर्ड बच्चे आएंगे, और जो प्राइज विनर्स होंगे ये स्टेट लेवल पर जाएंगे, और स्टेट लेवल पर जब इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे है उस दिन वहाँ पर ये बच्चे जो अपना मॉडल प्रदर्शित करेंगे, और इन्होंने क्या क्या इसमें जो है वो इनोवेटिव आइडियाज इन्वॉल्व किए हैं। इसमें इनके जो मॉडल्स हैं वो ज़्यादातर ऐसा है कि जो आपदा हिमाचल में जब आती है तो उनके जो घर हैं वो उस तरीके से जो है वो कैसे सेफ रहें, जान माल का नुकसान कम हो, इसी मोटिव को लेके जो है वो ये प्रदर्शनी लगाई गई। शर्मा, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल तक का ब्लॉक भोरंज। तो हमारा जो मेरा मॉडल है वो है फ्लड प्रूफ हाउस का। ये जो वो एक फ्लड प्रूफ हाउस है, जब भी फ्लड आ सकते हैं तो ये हमारा हाउस जो वो एज इट इज रहेगा और हमारे घर को जो कोई नुकसान नहीं होगा। जैसा आप देख सकते हो, इसका जो हमारा हाउस है इसके लिए नीचे जो हमने 5 पिलर्स दिए हैं, तो पिलर्स के ऊपर जो है वो हम पिलर्स के ऊपर बेस रखेंगे, नहीं तो हमारे जो एरिया है उसमें जो है वो बेस जो होता है वो हम नीचे से ही लेते हैं। बट इस हाउस में जो वो हम पिलर्स रखेंगे, पिलर्स के ऊपर हमारा बेस होगा, और जो हमारे पिलर्स होंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और RCC के होंगे। जो हमारा हाउस होगा उसको जब हम 2 बिल्डिंग्स तक रखेंगे ताकि ज्यादा जो है वो नुकसान ना हो, और अगर फ्लड आ जाता है तो हमारा पानी जो वो नीचे से ही चला जाएगा और हमारे घर को जो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नमस्कार, मेरा नाम रिजुल कश्यप है, मैं PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिजली का छात्र हूँ। मैंने ये डिजास्टर मैनेजमेंट पे मॉडल बनाया है जिसका थीम सेफ बिल्डिंग्स है। इसमें हमने भूकंप प्रतिरोधी, अग्नि प्रतिरोधक और बाढ़ प्रतिरोधक बिल्डिंग्स का निर्माण किया है, जिसमें कि हमने सेफ बिल्डिंग्स के बारे में बताया कि हम किस तरह से सेफ बिल्डिंग्स का निर्माण कर सकते हैं, जो कि किसी भी आपदा के दौरान उस बिल्डिंग में मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए काम आएंगी और बिल्डिंगों की भी सुरक्षा करेंगी। जिसमें हमने यहाँ पे एस्केप शूट्स का उपयोग किया है, जो कि सीढ़ियों के कंपैरिजन में जल्दी से सेफ जोन में हमें लेकर जाएंगी। और लिफ्ट का यूज़ जैसे हम किसी भी आपदा के दौरान नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हमने एस्केपिंग शूट्स का उपयोग किया जो कि हर फ्लोर पर लगी होगी, और उसका काम मेनली लोगों को उस बिल्डिंग से निकालकर बंकर से या फिर किसी भी सेफ जोन में लेके जाना है, जो कि जिसे आपदा के उन पर बुरा प्रभाव ना पड़े और किस आपदा के उन पर कोई भी नुकसान ना आए। और हमने यहाँ पे फ्लोटिंग हाउसेस का भी निर्माण किया है, जिससे किसी भी बाढ़ की स्थिति में ये हाउस जो है फ्लोट करेंगे उसी स्थान पर, और ये अपने स्थान पर ही रहेंगे क्योंकि ये पिलर से अटैच हैं। और जैसे ही वाटर लेवल इंक्रीज होगा इसमें लगे हुए सेंसर एक्टिवेट्स हो जाएंगे और ये हाउस जो है फ्लोट करने लगेगा, जिसे इस घर को बाढ़ से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और इसमें मौजूद लोगों को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मेरा नाम कार्तिक है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोरसोफर से हूँ, और मैंने मॉडल बनाया है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस और थंडरस्टॉर्म और विंडस्टॉर्म को रेजिस्टेंस के लेके। जैसे कि हम जानते हैं कि हिमाचल एक अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन है, जहाँ पे कई बार भूकंप आ चुका है, जो कि 1905 के कांगड़ा भूकंप के वजह से प्रेडिक्शन है कि अभी भी वैसा ही भूकंप आ सकता है। और जब तब पॉपुलेशन भी कम थी और अब पॉपुलेशन और भी ज़्यादा, तो जो कैजुअलिटी है उसका खतरा और भी ज़्यादा है। इसलिए सर हमने एक सेफ हाउस बनाया है मॉडर्न तरीके से, जिससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम कैसे बच सकते हैं।
जिसमें हमने फाउंडेशन की है पिलर्स की और प्लेंथ लाइन की और उसके ऊपर लेंटर बैंड की, और हमने उसके लेंटर को यूज किया एज अ हाउस, ग्रीन हाउस, ताकि हम ऑर्गेनिक तरीके से खेती भी कर सकें। और